बोले सब बोले हो जाइए। रोटी मांगू तोड़िया गया मेरा खुदा मेरे लिए, रोटी मांगू तोड़िया गया, बड़े जुल्म सहे उसने नाल को thank you.
जगा जिस मत जख मा तो वाजी ना रही, चले दुख जान जिन्ना चेरे जाती ना रही। तोड़ गया।
सब बोले सब बोले कर उसकी कुर्बानी को कि उसने तेरे पाप के लिए तेरे गुनाहों के लिए अपने बदन को तोड़वाया अपने लहू को बहाया। याद करो उसकी कुर्बानी को कैसे उसका तन हमारे पापों के कारण वो शिद गया। याद करो उसकी कुर्बानी को कितना चिल्लित हुआ कितनी उसने बेइज्जती को उठाया। याद करो उसकी कुर्बानी बड़े जुल्म सहे उसने नाल कोड़ियां दे मारिया गया। उसके कोड़ों की मार को याद करो। बड़े जुल्म अगर आप रियल क्रिश्चियन हो सच्चे मसीह हो तो उसके कोड़ों की मार को याद करो जिसने लिखा कोई गुनाह कोई पाप नहीं किया था पर हमारे ही पापों के कारण उस पर ये ताड़ना पड़ी। हमारे ही पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। उसने कोई गुनाह नहीं किया उसने कोई पाप नहीं किया लिखा हमारे ही गुनाहों के कारण उसे कोड़े पड़े उसे बेइज्जत किया गया उसके मुंह पर थूका गया उसकी दाढ़ी को नोचा गया उसकी वक्खी में नीसा मारा गया उसे ठट्ठियों में उठाया गया। याद करो उसकी कुर्बानी। मैंने कहा याद करो। जितने लोग उसकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं को हमारे पापों के लिए मारा गया मैं कह रहा हूं उस शांति को उस शांति से वो भर रहे हैं उस आशीषों से भर रहे हैं उस आशीषों से भर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आज जब इस बोझ को आप लोगे इस रोटी के टुकड़े को खाओगे इस नेम के वाचा के प्याले को पियोगे तो आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। मैंने कहा आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। उठा अपने बोझ को और अपने माथे पर लगा
और याद कर, बड़े जुल्म याद कर उसकी कुर्बानी को और अपने मन को फिरा। याद कर, मैंने कहा उसकी कुर्बानी को और अपने मन को फिरा कि वो सच्चा खुदा, वो सच्चा खुदा, वो किसी के धर्म को बदलने के लिए नहीं, किसी के जात को बदलने के लिए नहीं, वो जीवनों को बदलने के लिए आया। इसलिए वो मारा गया, इसलिए वो मारा गया ताकि इस पूरी पृथ्वी के लोगों के जीवन को जीवन मिले। वो किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया। जिस यीशु पर आप विश्वास करते हो, ये गुड न्यूज है, ये पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए, मैंने कहा ये गुड न्यूज है। अगर आप रियल क्रिश्चियन हो, सच्चे मसीह हो, तो आज से ये गुड न्यूज अपने सब लोगों को, मैंने कहा अपने दुश्मनों को भी जाकर बताओ कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है। वो किसी का धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया। उसने मेरे जीवन को बदला है, उसने मेरे जीवन को बदला है, मेरे जीवन को बदला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर सच में आप रियल क्रिश्चियन हो, सच्चे मसीह हो, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। क्या आ जाने चाहिए? हमारी आंखों में आंसू आने चाहिए। अगर आप सच में रियल हो, सच्चे मसीह हो, हाँ, अगर अपने काम के लिए आए हो सिर्फ, हाँ मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ये बहुत छोटी बात है। लिखा जी खुदा की नजर में ये बहुत छोटी बात है। अगर सच में उसे समझने के लिए आए हो, जीवन पाने के लिए आए हो, आप एक आशीष चाहते हो, वो हजारों देने के लिए तैयार है। आप एक चंगाई के लिए तरस रहे हो, वो हजारों कामों को करने के लिए, मैंने कहा, तैयार है। इसलिए आज अपने मन को फिराना। जब बोझ को आज इस बोझ को लोगे, तो मैंने कहा इसको खाली रीति समझ कर ना लेना। इसलिए प्रेरित पॉल ने कुरिन्थियस की कलीसिया को कहा, जो लोग अन्य रीति खाते हैं वो और अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं। इसे अनुचित रीति मत खाना। कुछ लोग अनुचित रीति खाते हैं। अगर आप इसे इस बोझ में शामिल होते हो, तो कोई पाप ना करना, कोई गलत काम ना करना। अगर करते हो तो मन फिराना, ताकि आगे को परमेश्वर आपके जीवन पर अपनी करुणा को जाहिर करे, प्रकट करे। आप फिर से दुखों में न जाओ, आप अपनी जीवन में स्ट्रगल ना करो, ताकि वो आपको जीवन और जीवन की सब शांति और वो सुख दे। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी रीति से खाते हैं, हल्के से। पर परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी किसी भी बात को हल्के में ना जान। अगर आज सच में आप इस बोझ को लेते हो, तो ये याद करना कि मैं एक पापी था, मैं एक पापी मनुष्य था, गुनाहों से भरा था, मैं इस योग्य नहीं था। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम इस योग्य नहीं थे, हमारा कोई कर्म नहीं, हमने अच्छे कर्म किए इसलिए हमें ये जीवन मिला, हम स्वर्ग के अधिकारी बने। लिखा ये परमेश्वर की बख्शिश है, ये उसकी आशीष है कि आपने, उस खुदा ने आपको इस संसार से अलग किया और आप यहां पे हो। आमीन, मैंने कहा आप यहां पे हो। लिखा बहुत सारे लोग इस दिन को देखना चाहते मगर देख ना सके, ये उसका प्रेम है जो आप पर जाहिर होया। इसलिए बाइबल हमें बताती कि अपनी बुलाहट पर ध्यान कर, अगर उसने तुझे चुना है तो याद कर, अपनी बुलाहट को समझ कि उसने मुझे क्यों चुना है। ऐसे नहीं कि आपको हीलिंग है, आपको चंगियाई चाहिए, आपको बरकत चाहिए, ये एक सिर्फ आपकी बुलाहट है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना होती तो आप यीशु के पास ना आते, ये सिर्फ आपकी एक बुलाहट है जिसके लिए आप यीशु के पास आए हो। अगर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम ना होती, मैं नशे करता था, अगर मैं ना करता होता तो आज ये गुड न्यूज मैं आपको ना देता कि यीशु मसीह कौन है। अगर आप सच में सच्चे मसीह हो, तो मेरे जैसे आप भी मन बनाओगे, उसके लिए जियोगे और लोगों को बताओगे। आमीन। इसलिए प्रभु बोझ को हल्के में ना लेना। और एक चीज है, आज जितने लोगों ने बैप्टाइज, जो लोग बैप्टाइज नहीं है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, अगर आज इन बातों को सुनकर वो मन फिराते हैं, हम लेंगे, क्योंकि मैंने थर्सडे की मीटिंग में भी कुछ लोगों को बताया, तो
वो सुनकर जैसे प्रेरित पत्रस, हाँ, जो खुदा यीशु मसीह का दास पत्रस, जब पेंतेकुस्त के दिन वो यीशु मसीह के बारे बताने लगा तो लिखा 3,000 लोगों के मन शिद के, लेकिन वो शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? तो उन्होंने बताया क्या करना है, जिस खुदा को अपने तुष्ट जाना है, उस प्रभु को तुष्ट जाना जो उसकी ओर से आया है, अब उसी के नाम का बपतिस्मा लो और तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। अगर आज लोग उस इस बोझ को लेना चाहते हैं, इस नेम के वाचा के प्याले को पीना चाहते हैं, तो मेरा विश्वास है कि खुदावन जिस हीलिंग के लिए आप बरसों से लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जब हम मन फिराते हैं, खुदा की ग्रेस तभी एंटर करती, उसका आत्मा एंटर करता है और सब हालात निकल जाते हैं और आप हील हो जाते हो, आप डिलीवर हो जाते हो, ब्लेस हो जाते हो। आमेन, आमेन। क्योंकि मन से किया विश्वास, बोलो क्या है, मन से किया विश्वास आपके जीवन की परिस्थितियों को मैंने कहा बदलता है। आमेन। मैंने कहा मन से किया गया विश्वास अपने पड़ोसी को तेरे मन की परिस्थितियों को बदलता है, पर बहुत सारे लोग मन से नहीं करते। क्या नहीं करते? उसे मन से नहीं करते। वो आते जरूर है मगर वो इसलिए आते कि हाँ मेरा काम हो जाए। वो आपको हजारों आशीष देना चाहता है, बस उसके सत्य को समझो। जो उसने कहा सत्य को जान, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। आमीन। होना चाहते हो आजाद? जो लोग आज लेना चाहते हो अपना हाथ खड़ा करना, जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं और इस बोझ को लेना चाहते हैं, बस अपने हाथ को कड़ा रखना ताकि टीम आपके पास आए और आपको बोझ दे और बाकी लोग अपने बोझ को अपने माथे से लगाओ। हाथ खड़ा करके रखना, जल्दी से जाओ, जल्दी से दो सब लोगों को, जल्दी से। अरे एक दो और निकल जाओ, एक ही दो, एक दो और नहीं जा सकते, हाँ एक दो और नहीं जा सकते, बाकी है पीछे। तो हाथ खड़ा करके रखना जब तक आपको बोझ ये मिले ना, क्योंकि वो किसी का धर्म नहीं। मैंने कहा जीवन बदलने के लिए आया है, मैं कह रहा हूं वो किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया है। ये गुड न्यूज है पूरी लोगों के लिए। लोग जानते नहीं है, वो समझते हैं, लोग सुनते हैं यीशु ईसाइयों का, अंग्रेजों का। अरे जो फॉरनर देश है, एक समय था कि उन्होंने यीशु को ग्रहण किया था, पर आज कुछ चीजों के कारण वो देश करप्ट हो चुके हैं। उनकी चर्चों में रेस्टोरेंट बन गए, बोलो क्या बन गए? क्योंकि वो करप्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मन नहीं बनाया, अपनी आदतों को नहीं बदला। उनका पहनावा, अपने जो उनका जो पहरावा आप देखना कैसा है, जो फॉरनर लोग हैं, बोलो क्या है, उनका पहरावा देखना वो कैसे है? क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को नहीं बदला, इसलिए वो देश आज करप्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? एक समय था कि उनके पास ये गुड न्यूज गई और उन्होंने ग्रहण किया, पर आज बहुत फॉरनर देश करप्ट हो चुके हैं। पर फिर भी परमेश्वर अपनी दया को उन देशों में प्रकट कर रहा है, कुछ अच्छे लोगों के द्वारा फिर से परमेश्वर अपने लोगों को संभाल रहा है। आमीन। उठाओ अपने बोझ को, याद कर उसकी क्रूस की मृत्यु को, जो उसने इसको बोझ, इसको रोटी ना समझना, उसकी देह समझना, क्योंकि उसने चेलों को कहा था कि मैं अपनी देह और मैं अपना लहू इस संसार के पाप के लिए देता हूं और तुम इस यादगारी में किया करना, इसलिए ये रोटी नहीं है, ये यीशु मसीह की देह है, ये जूस नहीं है, ये यीशु मसीह का लहू है। अगर आप इसे शांत से आज खाओगे पियोगे तो मैं जानता हूं कि आपकी मन की परिस्थितियां, आपकी मन की सोच को बदलेगा आज बोस। मैंने कहा आज आपकी मन की परिस्थितियों को, आपकी सोचों को वो बदलेगा। यस खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जितने लोग इस बोझ को, इस रोटी को खाएं,
इस नेम के वाचा को प्याले को पिए, जो लोग मन फिरा चुके हैं। मैंने कहा जितने लोग आज की बातों को सुनकर मन फिरा चुके हैं, जो लोग समय से लंबे समय से सोच रहे थे, आज खुदावन का रूह उसका आत्मा आपके जीवन में एंटर हो रहा है। मैंने कहा आपका उसका रूह उसका आत्मा आपके जीवनों में एंटर हो रहा है। आपकी आज की परिस्थितियां बदल रही हैं, आपके सब हालात बदल रहे हैं। जितने ऑनलाइन है, मैंने कहा जितने ऑनलाइन है, वो भी इस भोज की तैयारी में, अगर आपने सुना था कि आज प्रभु भोज की मीटिंग है, अगर आप तैयारी से बैठे हो, जितने लोग ऑनलाइन है, इस भोज को जो भी आपके पास है, नहीं है तो लेकर आओ जल्दी से। अगर कोई हमें पहली बार भी आज ऑनलाइन देख रहा है, आपके पास जो भी है, जो भी कुछ है, रोटी का टुकड़ा है, कोई ब्रेड है, कुछ पड़ा है, उसे ले आओ। अगर कोई जूस नहीं है, कोई मीठा पानी नहीं है, खाली पानी ले आओ बस। जितने ऑनलाइन है, अगर पहली बार भी हमें देख रहे हैं या बाद में देखें, आज इस बोझ की मीटिंग को इस रीति से बाद में भी जो देखें लें, मेरा विश्वास है कि खुदावंद आपके मन की परिस्थितियों को बदलेगा। आपके अंदर की उस इवल स्पिरिट को, अंदर के उस पाप के, शैतान के उस आत्मा को आज इस बोझ के द्वारा वो भगाएगा। मैंने कहा वो भगाएगा। यस खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने इस बोझ को खाएं और पिए, उनमें जीवन आए, जीवन की शांति आए। जो वादा तूने किया खुदा, इनके जीवन में पूरा हो। तूने अपने स्वर्ग राज का अधिकारी बनाना, ताकि खुदावन कल को शैतान इनके जीवन में कोई अपनी युक्ति से इनके जीवन को चुराए ना, ये नाश ना हो पिता, नाश ना हो। जो तेरी चाहत है कि सब मनुष्य बचाए जाएं, सब मनुष्य उद्धार पाए और सत्य को जाने, जिसके लिए तू स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया और हमारे गुनाहों के लिए तूने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने बदन को हमारे लिए तड़वाया, अपने लहू को बहाया। आज खुदा जितने इस बोझ को, तेरी देह को, तेरे नेम के वाचा के लहू के प्यालों को पिए, मेरे प्रभु उनकी जिंदगियां बदले, उनके घराने बदले, उनके परिवार बदले, उनके बच्चों के जीवन बदले, आज बदले खुदा। मैं श्वास करता हूँ खुदावन, इस बोझ को आप स्वर्ग से अपनी महिमा के लिए, अपने लोगों के लिए, इनकी आत्मिक आंखें खोलने के लिए, आज खुदावन इस बोझ में अपनी सामर्थ का अभिषेक भर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खाओ और गाओ। मेरा खुदा मेरे लिए, मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू दौड़िया गया, मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू दौड़िया गया। बड़े जुल्म सहे उसने, नाल कोड़िया ये देखो खुदा की सामर्थ्य काम कर रही है। जितने लोग अच्छे मन से लेंगे, ये देखो दिखाओ कैमरे में, देखो ये परमेश्वर का है, कैसी उसकी ग्रेस काम करेगी। आज जितने लोग आज से मन से खाएंगे और पिएंगे, मैं कहता हूँ कोई अंधेरा नहीं रहेगा, कोई पाप नहीं आपके जीवन में रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आज से कार्य नहीं करेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। अगर आप मन फिरा के उसके साथ जीने के लिए फैसला लोगे, सफेद आज अपने मन की अंदर को, अपने अंदर की जलन को बाहर निकालो, मन फिराओ अपने अंदर के उस मनुष्य से, अपने अंदर की गुणतन को
तो देखो सामर्थ काम कर रही है। आज खुदा का रूह आज बल से आज आपके बीच काम करेगा। तुम्हारा स्वभाव उसके जैसा हो जाए। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांग तोड़ गया। हालेलुया।